हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है आलू मटर की बहुत ही टेस्टी सब्जी। आलू मटर की सब्जी तो सभी को बहुत पसंद होती है और बनाना भी सभी को आता है, लेकिन आज मैं जो तरीका आपको बताऊंगी ना, उससे बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत आसान तरीके से बहुत टेस्टी सब्जी आप आलू मटर की घर में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आलू मटर की टेस्टी सब्जी बनाना। तो आलू मटर बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी मटर ली है और यह एक कटोरी आलू, इसे मैंने छील कर इनको बड़े टुकड़े में काट लिया है। अब यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, 2 बड़े टमाटर हैं और कुछ लहसुन की कलियां हैं। इन्हें हम काट कर मिक्सी में पीस लेंगे। आप चाहे तो टमाटर अलग भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं ये सब्जी फटाफट बनाने वाली हूँ इसलिए मैं तीनों को एक साथ पीसूंगी। अब ये सभी चीज़ें कट चुकी हैं तो मैं इसे मिक्सी में डाल देती हूँ, मिक्सी के जार में, और पीस लेते हैं। देखिए मसाला हमारा पीस चुका है, तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब आज जो आलू मटर की सब्जी है वो हम कुकर में बनाने वाले हैं। तो ये हमारा कुकर गरम हो गया है, तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच के करीब तेल डालेंगे। इसे हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है, तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है तो अब हम डालेंगे इसमें जीरा, आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा चटकने देंगे और अब 2 चुटकी इसमें हींग डाल देते हैं। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जीरा और हींग अच्छे से चटक गया है तो हमने सबसे पहले क्या डालना है, गैस की फ्लेम को तेज रखेंगे और ये जो कटे हुए आलू हैं इसे डाल देंगे और इसे एकदम तेज गैस में हमें फ्राई करना है। इसे चलाते हुए हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। अब देखिए आलू हमारी हल्की फ्राई हो गई है क्योंकि गैस बहुत तेज थी तो ये बहुत जल्दी फ्राई हुई है। बस इससे ज़्यादा इसे हम फ्राई नहीं करेंगे और इसके साथ ही हम डाल देंगे हमने ये जो लहसुन प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार किया था वो हम साथ ही डाल देंगे और अब हम इसे भूनते जाएंगे चला चला कर। देखिए मसाला हमारा अच्छा भून रहा है, जो लहसुन प्याज था टमाटर था सभी चीज़ें मैंने एक साथ पीस कर डाल दी थी, गैस की फ्लेम को हाई रखा है, मसाला अच्छा भून रहा है। तो साथ में हम हल्दी और लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, ये भी साथ में भूनता रहेगा, मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम डाल देते हैं इसमें 1 चम्मच नमक, आप स्वाद के अनुसार लीजिएगा, मिक्स कर देंगे और साथ में हम डालेंगे ये जो हमने मटर रखी थी इसे भी डाल देते हैं। इसे भी हम साथ में ही चलाते हुए मसाले के साथ भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। बहुत फटाफट सब्जी बनकर तैयार होती है और आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है। तो हम मसाले को भूनने देते हैं, गैस की फ्लेम को हमने हल्का सा कम किया है। अब देखिए सब्जी हमारी बहुत अच्छी भून रही है, ये देखिए सब्जी से थोड़ा थोड़ा सा तेल रिलीज होने लगा है। तो अब इसे हम थोड़ा सा और चलाते हुए बस 2 मिनट और भूनेंगे। सब्जी हमारी भून चुकी है तो अब हम डालेंगे इसमें पानी, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से गाढ़ा या पतला जितना रखना चाहते हैं वैसे डाल लीजिएगा। तो अब हम अच्छे से थोड़ा सा चला देंगे सब्जी को ताकि जो मसाला है
किनारे किनारे से छूट जाए। और अब हम इसमें लगा देंगे कुकर का ढक्कन। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल हाई रखना है और एक सीटी आने देना है। अब कुकर को हम ठंडा होने के बाद ही खोलेंगे। अब देखिए कुकर बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो हम ढक्कन को खोलेंगे और देखिए सब्जी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। गैस की फ्लेम को हम एक बार फिर ऑन करेंगे। गैस तेज है। अब इसमें हम डाल देते हैं एक चम्मच गरम मसाला। ये हमारा घर का बना हुआ गरम मसाला है, इसलिए मैंने धनिया का यूज़ नहीं किया था। मिक्स कर देते हैं अच्छे से और सब्जी हल्की सी गाढ़ी हो जाए। बस सब्जी हमारी बनकर तैयार है आलू मटर की। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी आलू मटर की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा हरे धनिया के पत्ते डाले हैं, जो कि देखने में और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप आलू मटर की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं तो एक बार मेरे बताए हुए इस तरीके से बनाइए, बहुत टेस्टी बनेगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।